तो ये कहानी है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ पर बहुत सारे पावरफुल किंग्स होते थे, और वो सभी किंग्स हमेशा खुद को सबसे ताकतवर साबित करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिस वजह से उस दुनिया को काफ़ी नुकसान होता था। जिसके बाद उन किंग्स के बीच शांति बनाए रखने के लिए रैंकिंग ऑफ किंग्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आया, जो उन सभी किंग्स को उनकी पावर, वेल्थ और लीडरशिप के हिसाब से रैंकिंग देता था। और जिस किंग की रैंकिंग जितनी ज़्यादा होती थी वो किंग उतना ही पावरफुल होता था। और उस रैंकिंग के सबसे पावरफुल किंग को गॉड्स के ट्रेजर में से एक आइटम चूज करने का मौका मिलता था, जिसे सभी किंग हासिल करना चाहते थे। और ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो उस दुनिया का सबसे पावरफुल किंग बनना चाहता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे वो लड़का बहुत सी मुश्किलों का सामना करने के बाद अपनी इच्छा को पूरी करता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बौची नाम के बच्चे को देखते हैं जो एक किंगडम का प्रिंस होता है, और उसने बचपन में ही अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया था, क्योंकि उसकी माँ उसके पैदा होने के कुछ समय के बाद ही गुजर गई थी, जिस वजह से बोची को कभी भी उसकी माँ का प्यार नहीं मिला। एक दिन बोची खेलने के लिए अपने किंगडम से बाहर चला जाता है, और उसकी मुलाकात कागे नाम के एक शैडो क्लैन के बंदे से होती है जो एक चोर होता है, और वो बोची को अकेला देखकर उसे लूटने की सोचता है और उसे मारने की धमकी देता है और उससे उसके सारे पैसे मांगता है। तभी वो देखता है कि बोची बोल और सुन नहीं सकता है, लेकिन बोची कागे के होठों को देखकर उसकी सारी बातें समझ रहा होता है, जिस पर कागे समझ जाता है कि बोची इस किंगडम का प्रिंस है। जिसके बाद बोची कागे को उसकी जान के बदले अपने सारे कपड़े देने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, जिस पर कागे मान जाता है, और वो बोची को अगले दिन और कपड़े लाने को कहता है, जिस पर बोची मान जाता है क्योंकि वो बहुत ही भोला होता है, और वो रोज़ कागे से मिलने आने लगता है और उसे अपने कपड़े देता रहता है जिन्हें बेचकर कागे पैसे कमाता था। लेकिन बोची की मासूमियत देखकर कागे भी पिघल जाता है, और उसकी और बोची की दोस्ती हो जाती है, और बोची कागे को उसका सपना बताता है कि वो इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल किंग बनना चाहता है, जिस पर कागे थोड़ा हंसता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि बोची जैसा भोला इंसान जो बोल और सुन भी नहीं सकता है वो सबसे पावरफुल किंग कैसे बनेगा। जिस पर बोची कागे को यकीन दिलाता है कि वो एक दिन इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल किंग बनकर ही रहेगा, और अपने कैसल पर वापस चला जाता है, जिस पर कागे उसका पीछा करता है, जहाँ पर वो देखता है कि रास्ते में किंगडम के सभी लोग बोची को बिना कपड़े के देखकर उस पर हंस रहे होते हैं और उसे एक बेवकूफ़ प्रिंस कह रहे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ छोटे बच्चे बोची के बोल ना पाने का मजाक भी उड़ाते हैं, जिस पर बोची डरकर वहाँ से अपने कैसल की तरफ भाग जाता है, जहाँ पर बोची की मुलाकात क्वीन हिल्डा और किंगडम के तीन जनरल डोमस, एपियस और डोरस से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन बोची को बिना कपड़ों के घूमने के लिए डांटती है, और जिसने बोची के कपड़े चुराए थे उसे मारने का ऑर्डर देती है। पर बोची कागे को बचाने के लिए साइन लैंग्वेज में उनसे कहता है कि वो बस अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा था, जिस पर क्वीन बोची पर और गुस्सा करती है और गुस्से में उसे यह भी कह देती है कि वो इस किंगडम का किंग बनने के लायक नहीं है, और उससे अच्छा उसका छोटा भाई डेविड है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम डोमस को देखते हैं जो बोची का टीचर होता है, वो बोची से कहता है कि किंग उससे मिलना चाहते हैं, जिस पर बोची अपने कमरे में किंग से मिलने के लिए तैयार होने चला जाता है और तैयार होते हुए रोने लगता है। यह सब कागे भी देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि बोची सभी लोगों के होठों को देखकर उनकी बातें समझ लेता है, और साथ ही उसे यह भी समझ आ जाता है कि किंगडम के सभी लोग उसके बोल और सुन ना पाने का मजाक उड़ाते हैं, जिस पर कागे को बोची के लिए थोड़ा बुरा लगता है। जिसके बाद बोची किंग बोसे से मिलने जाता है जो एक जाइंट होते हैं, और उनकी रैंकिंग 7th होती है, और उन्होंने कई साल पहले मॉन्स्टर की एक पूरी आर्मी को अकेले ही हरा दिया था और इस किंगडम को बचाया था, जिसके बाद वो यहाँ के किंग बन गए। और बोची असल में किंग बोसे की पहली क्वीन का बेटा होता है जो एक जाइंट थी, लेकिन किसी वजह से बोची बहुत कमज़ोर पैदा हुआ था और वो जन्म से ही सुन और बोल नहीं सकता था, इसलिए किंग चाहते थे कि बोची जल्दी से स्ट्रांग बने क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और वो जल्द ही मरने वाले थे, जिस वजह से वो बोची का और ध्यान नहीं रख पाएंगे। जिसके बाद किंग डोमस को बोची को अच्छे से ट्रेन करने को कहता है। तभी हम कागे को देखते हैं जो उस किंगडम से निकल रहा होता है, तभी उसे जनरल बोरस देख लेता है और उस पर अटैक करता है,
जिससे कागे थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन किसी तरह वो उसको चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। जिस पर बोरस उसे ढूंढने के लिए अपने कुछ सैनिकों को उसके पीछे भेजता है, जिसके बाद हम थॉमस और बोची को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और थॉमस बोची को स्ट्रॉन्ग ना बना पाने की वजह से बहुत गुस्से में होता है। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है जो बोची का छोटा भाई होता है, और वो थॉमस को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद उन दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर डेविड थॉमस को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा होता है। पर थॉमस उस किंगडम का सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन होता है, और आखिर में डेविड हार जाता है। लेकिन थॉमस डेविड की परफॉर्मेंस देखकर उससे बहुत इम्प्रेस होता है, जिस पर बोची को डेविड से थोड़ी जलन होती है, और वो डेविड को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, और उन दोनों के बैटल की खबर पूरे किंगडम में फैल जाती है, और कागे भी ये सुन लेता है और उनका मैच देखने जाता है। किंगडम के सभी लोग उनका मैच देखने आए होते हैं, और वो सब सोच रहे होते हैं कि बोची ये मैच हार जाएगा, जिसके बाद उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डेविड बोची पर पहले अटैक करता है, पर बोची उसे डॉच कर लेता है, और ऐसे ही बोची डेविड के सभी अटैकों को डॉच कर रहा होता है, और मौका देखकर उस पर एक अटैक करता है। यह देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। यह सब कागे भी देख रहा होता है, और वो बोची को ऐसे लड़ता देखकर काफ़ी खुश होता है। तभी कागे को उसका पास्ट याद आता है, जहाँ पर उसके क्लैन के कुछ लोगों ने एक हाई रैंकिंग वाले किंग को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है, जिसके बाद वो किंग शैडो क्लैन के सभी लोगों को मरवाने का ऑर्डर दे देता है। उस टाइम कागे अपनी माँ के साथ रहता था। तभी कुछ सैनिक उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिस पर कागे की माँ कागे को बचाने के लिए उसे छिपा देती है, पर इसमें उसकी माँ की जान चली जाती है, और वो सैनिक कागे को भी पकड़ने वाले होते हैं। तभी एक लड़की कागे की मदद करती है और उसे बचा लेती है, जिसके बाद कागे को एक आदमी मिलता है जो उसे रहने और खाने की जगह देता है, और कागे उस आदमी के लिए चोरियाँ करने लगता है। कागे को वो आदमी काफ़ी पसंद होता है, पर एक दिन वो आदमी कागे को धोखा दे देता है, क्योंकि वो पैसों का लालची था, और कुछ गार्ड्स को कागे के बारे में बता देता है, जिस पर वो गार्ड्स कागे को मारने आते हैं, पर कागे किसी तरह उनसे बचकर भाग जाता है, और मौका ढूंढकर उस आदमी को भी उसे धोखा देने के लिए मार देता है, और एक सिंपल चोर बनकर अपनी लाइफ जीने लगता है। और अब कागे किसी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब उसे बोची पर भरोसा होता है, और वो उसका मैच देकर बहुत खुश हो रहा होता है। जिसके बाद बोची और डेविड का ये मैच अभी भी चल रहा होता है, लेकिन अब तक डेविड बोची पर एक भी वार करने में सफल नहीं हो पाया था, पर बोची डेविड पर बहुत सारे अटैक कर चुका होता है, जिससे आखिर में डेविड हार जाता है। लेकिन थॉमस बोची के जीत से खुश नहीं होता, क्योंकि बोची के लड़ने का तरीका एक किंग की तरह नहीं था, और वो बोची को डेविड के वारों को डॉच करने के बजाय ब्लॉक करने को कहता है, क्योंकि यही एक किंग के लड़ने का तरीका होता है। जिसके बाद बोची और डेविड दोबारा एक दूसरे से फाइट करते हैं, जहां बोची डेविड के अटैकों को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, और डेविड के सभी अटैक बोची को लग रहे होते हैं। यह देखकर कागे गुस्से में आ जाता है कि आखिर बोची उन अटैक को डॉच क्यों नहीं कर रहा है, और बहुत अटैक सहने के बाद बोची बेहोश हो जाता है और डेविड जीत जाता है। लेकिन इस बात से एपियस थॉमस से काफ़ी नाराज़ होता है, क्योंकि उसने बोची को अपने हिसाब से लड़ने नहीं दिया था, जिसके बाद डेविड वहां से चला जाता है, जो अपने ट्रेनर से कहता है कि उसने जानबूझकर बोची को इतना घायल किया जिससे वो अपाहिज हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सब डेविड ने एक जादुई मिरर के कहने पर किया था। तभी हम बोची को देखते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में अपने बेड पर पड़ा होता है। तभी वहाँ पर थॉमस आता है, जो बोची से उसकी ऐसी हालत के लिए माफ़ी मांगता है, और उससे कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर है और वो किंग बनने लायक नहीं है, और अगर वो किंग बन गया तो दूसरे किंगडम के लोग उसे चोट पहुंचा सकते हैं। जिसके बाद थॉमस वहां से चला जाता है। तभी बोची अपने बेड से किसी तरह उठता है और असली तलवार उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अभी भी दुनिया का सबसे महान किंग बनना चाहता था। लेकिन उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर होती है और वो तलवार को नहीं उठा पाता और उदास होकर रोने लग जाता है। तभी बोची को उदास देखकर कागे भी वहाँ आ जाता है, और उसे देखकर बोची हंसने का नाटक करता है, और वो कागे से पूछता है कि अगर उसे कुछ चाहिए
तो वह उसे वो चीज़ अभी लाकर दे देगा, जिस पर कागे मना करता है और कहता है कि वो अब से बोची से कुछ नहीं लेगा और उसका एक सच्चा दोस्त बनकर हमेशा उसकी मदद करेगा। यह सुनकर बोची बहुत खुश हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसे अब एक सच्चा दोस्त मिल गया था। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ एक अनजान आदमी बोची को पूरी तरह से ठीक कर देता है और इसी समय कागे बाहर घूम रहा होता है जहाँ पर जनरल बोरस उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग सभी लोगों को उनसे मिलने बुलाते हैं क्योंकि जल्द ही वो मरने वाले थे और मरने से पहले वो बोची को उनके किंगडम का नया किंग घोषित कर देते हैं। जिसके बाद किंग की डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी के अंदर से एक डीमन निकलता है जो बोची की तरफ इशारा करके हंसता है और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद डेविड उस मैजिकल मिरर के पास जाता है और उसे कहता है कि उसने उससे झूठ कहा था कि वो किंग बनेगा क्योंकि उसकी जगह उसके भाई को किंग बना दिया गया है, जिस पर वो मिरर डेविड को शांत रहने को कहती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो एक दिन किंग जरूर बनेगा। जिसके बाद अगले दिन ऐसा ही होता है और बोची की जगह उसके भाई डेविड को किंगडम का नया किंग घोषित किया जाता है क्योंकि क्वीन ने किंग की डेथ के बाद सभी मेन मेंबर्स की एक टीम रखी थी जिसमें उन्होंने डेविड को उनका नया किंग चुना था। और बोची किंग न बन पाने पर बहुत दुखी होता है और कागे को ढूंढने लगता है पर उसे वो कहीं नहीं मिल रहा होता। तभी हम देखते हैं कि कागे प्रिजन में कैद होता है जहाँ से वो भाग रहा होता है। तभी बोरस उसे दोबारा पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर किसे मारने आया है, जिस पर वो बताता है कि वो बोची का दोस्त है। यह सुनकर बोरस उससे बोची से दूर रहने को कहता है और बोची से मिलने जाता है ताकि वो पता कर सके कि कागे झूठ बोल रहा है या सच। जिसके बाद वो बोची से कागे के बारे में पूछता है जिस पर बोची बताता है कि कागे उसका दोस्त है। जिसके बाद बोची वापस से कागे को ढूंढने की कोशिश करता है और एक बड़े सांप से भी कागे के बारे में पूछता है जो उसे बताते हैं कि उसके मास्टर बोरस ने उसे यहाँ से भगा दिया है। यह सुनकर बोची काफ़ी उदास हो जाता है। जिसके बाद हम एपियस को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। तभी उस पर बोरस अटैक करता है क्योंकि डेविड ने उसे एपियस को मारने का ऑर्डर दिया था क्योंकि उसने किंग सेलेक्ट करने वाली मीटिंग में उसका साथ नहीं दिया था। पर एपियस काफ़ी पावरफुल होता है और वो बोरस को फाइट में हरा देता है और अपना स्पेयर उसके सीने में घुसा देता है और किंगडम की तरफ वापस निकल जाता है। जिसके बाद हम बोची को देखते हैं जो अकेले काफ़ी बोर हो रहा होता है और क्वीन के पास जाता है और उनसे एक सफ़र पर जाने की इजाज़त मांगता है पर क्वीन मना कर देती है, जिस पर बोची वहां से उदास होकर चला जाता है और खुद वहां से भागकर जाने की कोशिश करता है। पर तभी वहां क्वीन आ जाती है जो बोची को भागते हुए देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है पर इसमें बोची नीचे गिर जाता है और बहुत घायल हो जाता है, जिस पर क्वीन जल्दी से उसके पास जाती है और उसे अपने मैजिक से हील करती है जिससे बोची की जान बच जाती है। और पिछली बार क्वीन ने ही बोची को हील किया था और ज़्यादा हीलिंग मैजिक यूज़ करने से क्वीन बेहोश हो जाती है। तभी हम क्वीन के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर जब बोची छोटा था तब वो बोची को बहुत पसंद करती थी पर बोची उससे डरता था और उसके पास नहीं आता था, पर धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद डेविड पैदा होता है और क्वीन का सारा ध्यान डेविड पर चला जाता है और धीरे धीरे वो बोची को इग्नोर करने लग जाती है क्योंकि वो बोची को मेहनत नहीं करने देना चाहती थी और उसे आराम की लाइफ जीने देना चाहती थी। लेकिन अब क्वीन को इस चीज़ का एहसास हो जाता है और वो बोची को उसके सफ़र पर जाने के लिए मान जाती है और उसके साथ थॉमस और एक गार्ड को उसकी प्रोटेक्शन के लिए भेजती है। जिसके बाद अगले दिन वो सभी अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। तभी क्वीन को एक बुरा एहसास होता है। इसी दौरान रैंकिंग ऑफ किंग के लोग डेविड को रैंकिंग देने आए होते हैं क्योंकि डेविड अब इस किंगडम का नया किंग होता है, जहां पर वो लोग उसे एक मॉन्स्टर से लड़ने को कहते हैं पर डेविड उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता और उसकी रैंकिंग 76 आती है, जिससे वो जज काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि पिछले किंग ने सिर्फ एक ही वार में उस मॉन्स्टर को मार दिया था और किंग बोसे के पास सभी किंग में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, जिससे डेविड बहुत निराश होता है। जिसके बाद हम बोची को देखते हैं जहाँ पर वो कई जंगलों को पार करता हुआ एक सिटी पहुँचता है जो काफ़ी बड़ा होता है, पर उस सिटी में बोची से उसके सारे पैसे खो जाते हैं और बोची अपनी इस गलती से काफ़ी निराश होता है। पर जब वो अगले दिन अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं तभी बोची को उसके सारे पैसे वापस मिल जाते हैं जो कोई अनजान आदमी रास्ते पर छोड़ गया था। जिसके बाद उन्हें कई मॉन्स्टर दिखते हैं,
पर तभी जंगल में बोची एक जाल में फंस जाता है और थॉमस से बिछड़ जाता है, जिस पर थॉमस और उसका साथी बोची को ढूंढने लगते हैं। तभी बोची को जंगल में एक अजीब आदमी मिलता है जो बोची को बताता है कि पहले वो एक किंग हुआ करता था, पर उसने वो सब छोड़ दिया और अब जंगलों में रहने लग गया है। बोची उस आदमी के साथ काफ़ी समय बिताता है और उसके साथ शिकार भी करता है, लेकिन बाद में बोची वहाँ से चला जाता है। तभी उसे थॉमस भी मिल जाता है, जिसके बाद वो अपना सफ़र जारी रखते हैं और एक रास्ते में उन पर एक आदमी अटैक करता है, जिस पर थॉमस थोड़ा चौकन्ना हो जाता है और वो देखता है कि जिस हथियार से उन पर अटैक हुआ है वह बोरस का था, जिस पर वो उसे अकेले मिलने जाता है। जिसके बाद अगली सुबह वो लोग अपने सफ़र पर निकल जाते हैं, लेकिन थॉमस थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है। जिसके बाद वो लोग हेल गेट नाम की एक सिटी पहुंचते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा होल होता है जो हेल से कनेक्ट होता है, इसलिए इस सिटी को हेल गेट कहते हैं। तभी थॉमस बोची को वो हेल गेट वाली खाई दिखाने ले जाता है और जब बोची वो खाई देख रहा होता है तभी थॉमस उसे धक्का दे देता है, क्योंकि किंग ने उसे बोची को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन थॉमस को बोची को मारने का बहुत दुख होता है। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जिसे वो मिरर बहुत सारे अजीब इल्यूजन दिखा रही होती है, जिस पर वो उस मिरर को तहखाने में ले जाता है। जिसके बाद हम बोची को देखते हैं, जहाँ पर कागे बोची को उस खाई में गिरने से बचा लेता है और वो पूरे सफ़र पर उनका पीछा कर रहा था और उसी ने बोची के चोरी हुए पैसों को उसके रास्ते में छोड़ा था। बोची थॉमस के धोखा देने से बहुत दुखी होता है, जिस पर कागे बोची से कहता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर सकता है और बोची का हौसला बढ़ाता है, जिससे बोची बहुत खुश हो जाता है और वो उस आदमी को ढूंढने निकल जाते हैं। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जो उस तहखाने में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट की जमी हुई बॉडी होती है, और वहां पर डेविड को किंग बोसी की जमी हुई बॉडी भी मिलती है, जिस पर वो मिरर डेविड को बताती है कि वो डेविड को एक रिचुअल की मदद से किंग बोसे जितना स्ट्रॉन्ग बना देगी। जिसके बाद वहां पर उस मिरर के दो साथी आते हैं जो किंग बोसे की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसे एक अंडा तैयार करते हैं, जिसमें से एक बीस्ट निकलता है और वो लोग उस बीस्ट को मारकर उसका सारा ब्लड एक ग्लास में भरते हैं और डेविड को उसे पीने को कहते हैं, जिससे डेविड के पास किंग बोसे की पावर आ जाएगी। पर डेविड को उस मिरर पर थोड़ा शक होता है और वो उस ब्लड को पीने से मना कर देता है, जिस पर उस मिरर के साथी डेविड को ज़बरदस्ती वो ब्लड पिलाने की कोशिश करते हैं, पर डेविड उन्हें हरा देता है। जिसके बाद हम बोची को देखते हैं, जो अंडरवर्ल्ड के किंग के कैसल पर पहुंच गया होता है और उनसे मिलने जाता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड के किंग डेसा से होती है, जो ये जानकर बहुत एक्साइटेड होता है कि बोसे का बेटा उससे मिलने आया है। लेकिन जब वो बोची को देखता है तब उसे काफ़ी निराशा होती है, क्योंकि बोची बहुत कमज़ोर था। तभी कागे किंग डेसा से बोची को ताकतवर बनाने के लिए मदद मांगता है, जिस पर किंग डेसा कहता है कि वो सिर्फ ऐसे लोगों को पावरफुल बना सकता है जिनमें पैदाइशी हुनर हो, जिस पर कागे बोची को उसका टैलेंट दिखाने को कहता है और डेसा अपने सबसे पावरफुल नाइट की फाइट बोची से करवाता है, जहाँ पर बोची उस नाइट के सभी अटैकों को डॉज कर लेता है, जिससे वो नाइट बहुत इम्प्रेस होता है। पर किंग डेसा इससे इम्प्रेस नहीं होता और बोची को ताकतवर बनाने से मना कर देता है, क्योंकि बोची के पास सिर्फ रिफ्लेक्स होते हैं पर उसकी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होती, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद बोची निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो नाइट बोची के पास आता है और उसे बताता है कि वो जिस आदमी को ढूंढ रहा है वो किंग डेसा नहीं बल्कि उनका छोटा भाई डेस्पा है, जो किसी भी इंसान को बहुत पावरफुल बना सकता है, और उसे उसका एड्रेस देता है और वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। जिसके बाद हम एपियस को देखते हैं, जो डेविड का पीछा करते हुए उस तहखाने में पहुंच चुका होता है और वो वहाँ डेविड से मिलता है। तभी उसे वो मिरर वाली स्पिरिट दिखती है, जिसका नाम मिरांजो होता है, जो किंग बोसे की साथी हुआ करती थी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विच थी। उसे वहाँ देखकर एपियस डर जाता है और उसके सामने झुक जाता है, क्योंकि वह मिरांजो की रियल पावर जानता था, और मिरांजो एपियस से डेविड को मारने को कहती है, जिस पर एपियस डेविड से उसे मार देने को कहता है क्योंकि वह डेविड से नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन डेविड ऐसा नहीं करता, जिस पर एपियस उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो लोग उसे वो ब्लड पिला देते हैं। तभी हम बोची को देखते हैं, जो डेस्पा को ढूंढ लेता है
और इसी के साथ यह पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं इसका दूसरा पार्ट अपने सेकंड चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं उस चैनल पर जल्दी ही इसके दूसरे पार्ट को अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।